हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का एक और पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन के साथ। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो दो टाइप्स के अकॉर्डिंग टू साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नंबर फर्स्ट है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, एंड सेकेंड वन है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। न्यूक्लियोटाइड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जैसे इसमें बताया है डेफिनेशन में, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड के। ए न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोज ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन क्या होती है, किसके किससे बना हुआ होता है? नंबर फर्स्ट ए फॉस्फेट ग्रुप, नंबर सेकेंड ए 5 कार्बन शुगर और पेंटोस शुगर, दैट इज मोनोसेक्राइड। थर्ड है ए हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड बेस। ये इन तीनों चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये इनकी कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। नंबर फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट आयन से बने हुए होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट आयन। मैं इधर बना देती हूँ। सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज फॉस्फेट आयन। तो दी आर द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट आयन। अब सेकेंड वाला जो है ए 5 कार्बन शुगर, सो हियर इज द हेडिंग ए 5 कार्बन शुगर और पेंटोस शुगर। तो जो ये होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स में 5 कार्बन शुगर, या उसको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, 5 मतलब पेंटोस। इन आरएनए द शुगर इज राइबोज। आरएनए में क्या है? शुगर का नाम है राइबोज। दस द नेम राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन द केस ऑफ डीएनए द शुगर इज डीऑक्सी राइबोज, दस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोज है, दैट्स द रीजन इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबो एंड डीऑक्सी राइबो। द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा राइबोज, दिस स्ट्रक्चर ऑफ बीटा राइबोज। वहीं हम बात करें डीऑक्सी राइबोज की, तो डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज। सो these both are the structure of beta ribose and beta deoxyribose respectively. अब हम बात करेंगे base की। The third heading है a heterocyclic nitrogen containing compounds that is known as base. तो base में क्या आता है? There are 4 different bases commonly found in DNA. यहाँ पर 4 different type के bases हैं that is commonly found in DNA, deoxyribonucleic acid. तो first A G T C, A for adenine, G for guanine, T for thymine, C for cytosine. अब वहीं पर ये DNA में है चारों। अब हम RNA की बात करें तो RNA यूरासिल जो है थाइमिन को रिप्लेस कर देगा इन द केस ऑफ RNA. देन इट इज द फॉर्मूला ऑफ A G U C,
ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, यू फॉर यूरासिल एंड सी फॉर साइटोसिन, दैट इज फाउंड इन आरएनए. दिस बोथ आर द टाइप ऑफ बेस दैट आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए रेस्पेक्टिवली. तो ये हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी कंपोजिशन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया. तो आगे अगर हम न्यूक्लिक एसिड में बात करें तो हियर आर सम पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज एडनिन एंड ग्वानिन आर डबल रिंग बेसिस नोन एज प्यूरिन्स. तो हियर आर द स्ट्रक्चर ऑफ एडनिन एंड ग्वानिन बोथ, एंड एज यू कैन सी दे बोथ आर हैविंग डबल रिंग एंड नोन एज प्यूरिन्स. ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट पॉइंट, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर सिंगल रिंग बेसिस नोन एज पायरिमिडिन्स. तो हियर आर द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन एंड दे थ्री आर हैविंग अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड नोन एज पायरिमिडिन्स. सो ये एडनिन एंड ग्वानिन डबल बॉन्ड्स होते हैं, प्यूरिन्स की कैटेगरी में आते हैं. यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन ये तीनों इनके पास सिंगल रिंग होती है, उनके पास डबल रिंग होती है, इनके पास सिंगल रिंग होती है और ये पायरिमिडिन्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल इज जॉइंट टू द शुगर मॉलिक्यूल बाय ए ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड एंड फॉर्म इज स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसाइड. तो नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल जो है वो जॉइन करता है एक शुगर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सो दैट इट कैन फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. जो स्ट्रक्चर बनता है एक नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल जब जॉइन करता है शुगर मॉलिक्यूल बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के बारे में मैं बायो मॉलिक्यूल की सीरीज की प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट है, द न्यूक्लियोसाइड कंबाइंस विद ए फॉस्फेट ग्रुप बाय एन ईस्टर बॉन्ड टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड. तो इधर डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स. तो अगर न्यूक्लियोसाइड कंबाइन करता है एक फॉस्फेट ग्रुप बाय एन ईस्टर बॉन्ड तो वो फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाता है. तो इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हैविंग नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड कौन से फॉर्म होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से फॉर्म होंगे. तो एडिनिन, एडिनोसिन और एडिनाइलिक एसिड. तो ये आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम आगे बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में और आरएनए के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे. तो अब हम बात करेंगे वेटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर होता है. तो स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. वेस्टर्न एंड क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक. तो वेटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए किसकी मदद से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की मदद से एक उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का फाइंड आउट किया उन्होंने. तो उसके फीचर्स क्या क्या थे, जो फीचर्स उन्होंने बताए, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स. इस मॉडल के अनुसार डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स है. ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए मॉलिक्यूल के पास दो अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं. स्ट्रैंड्स का मतलब यहाँ पर चेन से है. तो एज यू कैन सी दिस मॉडल हैव टू अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. ईच चेन कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हर एक चेन जो है इनमें से दोनों में से जो चेन है हर एक वो कंटेन कर रही है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टूगेदर बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. जो कंटेन कर रही है क्या, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो लिंक है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसका मीनिंग है रन इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी, वर्क करेंगी. नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, द टू चेन्स आर नॉट कॉइल्ड अपॉन ईच अदर. दोनों चेन जो है वो कॉइल्ड नहीं है ईच अदर एक दूसरे पर. बट द डबल चेन्स आर कॉइल्ड. बट ये दोनों चेन एक दूसरे पर कॉइल्ड नहीं है, बट द डबल चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड है. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर अपॉन इट्सेल्फ अराउंड ए कॉमन एक्सिस स्पाइरल स्टेयरकेस विद बेस पेयर फॉर्मिंग स्टेप्स. तो जो दो डबल चेन है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड नहीं है, लेकिन जो डबल स्टैंड्स हैं आर कॉइल्ड अपॉन इट्सेल्फ विद ए कॉमन एक्सिस लाइक स्पाइरल स्टेयरकेसेस. यानी कि
घुमावदार सीढ़ियों की तरह से एक दूसरे के ऊपर वो कॉइल्ड हैं, एज यू कैन सी दिस वन। ये नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर दो अलग अलग दो चेन्स को मिलाकर दो अलग अलग चेन्स जो बन रही हैं वो एक दूसरे पर कॉइल हैं, लाइक लाइक स्टेयर्स, लाइक स्पायरल स्टेयर केस। आगे क्या है? द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन बट फेस इनसाइड। नाइट्रोजन बेस परपेंडिकुलर है मोर और लेस, सॉरी द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर एंड लेस परपेंडिकुलर। नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड है मोर, ज्यादा या कम परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन बट फेस इनसाइड। नेक्स्ट क्या है? द बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक। बेस पेयरिंग जो है स्पेसिफिक है। हे इज द बेस पेयरिंग, आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? एडेनिन, एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद साइटोसिन। तो एडेनिन सिंबल ए विद पेयर्ड विद थायमिन एंड द ग्वानिन ऑलवेज पेयर्ड विद साइटोसिन, तो जी एंड हे इज साइटोसिन। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स आर हेल्ड टूगेदर इन देयर हेलिकल स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस बेसिस ऑफ अपोजिंग चेन्स। द टू पॉलीन्यूक्लियर चेन्स आर हेल्ड टूगेदर। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं एक दूसरे के साथ हैं, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इन देयर हेलिकल स्ट्रक्चर, उनके हेलिकल स्ट्रक्चर में बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस एंड अपोजिंग चेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है? बेसिस और अपोजिंग चेन्स में। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, वन एंड ऑफ चेन इज नोन 5' एंड एंड वेयर फिफ्थ कार्बन इज, एक जो एंड है, एक जो छोर है चेन का कहलाएगा 5' एंड, जहां पर फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री, जहां पर फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटो शुगर फ्री है, दैट इज द 5' एंड। सेकेंड कहलाएगा 3' एंड, जहां पर 3 कार्बन ऑफ पेंटो शुगर इज फ्री, जो 5' एंड कहलाएगा वहां पर फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटो शुगर फ्री है, और जो 3' एंड कहलाएगा वहां पर 3/3 कार्बन ऑफ पेंटो शुगर इज फ्री। लास्ट पॉइंट है, एट ईच बेस पेयर चेन्स टर्न 360 डिग्री। हर एक बेस पेयर पे चेन जो है हमारी वो 36 डिग्री मूव होंगी, टर्न होंगी। वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रेंस, लेकिन पूरा एक टर्न इन हेलिकल चेन्स का दैट इज अबाउट 360 डिग्री वुड इन्वॉल्व 10 बेस पेयर, वो इन्वॉल्व करेगा 10 बेस पेयर्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फीचर्स थे इस मॉडल के, एंड दीज बोथ आर द स्ट्रक्चर्स ए एंड बी। ये स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हम वी कैन इजीली सी द थर्ड एंड फिफ्थ एंड, वेयर फिफ्थ एंड फाइव फिफ्थ पोजिशन ऑफ पेंटो शुगर इज फ्री, हियर इज द थर्ड एंड वेयर थर्ड पोजिशन ऑफ पेंटो शुगर इज फ्री। वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस हेयर, ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन एंड थायमिन। सो दीज आर द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो ये पूरा मॉडल हो गया वॉस्टन क्रिक मॉडल ऑफ DNA। हम बात करेंगे टाइप्स कितने होते हैं RNA के। तो अगर बात की जाए RNA के टाइप्स की, तो हेयर आर द टाइप्स ऑफ RNA। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक RNA। द फर्स्ट वन इज मैसेंजर RNA, दैट इज ऑल्सो नोन एज mRNA। तो इसमें क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस एंड कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है और क्या करता है? कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनोद इन 1961। डिस्कवर्ड किया था किन्होंने? जैकोब एंड मोनोद ने इन 1961 में। तो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है, कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये mRNA का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है कि ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो इसको आप अलग से लिख सकते हो। सेकेंड है राइबोसोमल RNA, दैट इज नोन एज RNA। इट इज द लार्जेस्ट RNA एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल सेलुलर RNA। ये लार्जेस्ट RNA है और क्या, कितना? अबाउट 80% टोटल सेलुलर RNA कंटेन करता है। फाउंड इन राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। कहाँ मिलता है? राइबोसोम्स में, जहाँ पर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
तो ये एमआरएनए, सॉरी आरएनए, आरआरएनए की जो पूरी डेफिनेशन है, ये अपने आप में इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी आप लिख सकते हो कि लार्जेस्ट आरएनए होता है, अबाउट 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए कंटेन करता है और राइबोसोम से मिलता है जहां हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आप चाहे सेकेंड लाइन मत लिखना ये फाउंड से, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन आप इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड की। लास्ट है ट्रांसफर आरएनए, जिसका दूसरा नाम है सोलेबल आरएनए, देयर इज अ वन मोर नेम ऑफ इट, एडेप्टेड आरएनए, शॉर्ट फॉर्म है एसआरएनए एंड टीआरएनए, किसी भी नाम से ही पूछा जा सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 15 ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। सबसे छोटी फॉर्म है आरएनए की और लगभग 10 से 15% टोटल सेलुलर आरएनए कंटेन करता है। दीज आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड आर डिफरेंट टाइप्स। ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जितने कि हमारे अमीनो एसिड्स के टाइप होते हैं। यूजुअली 20 अमीनो एसिड्स के टाइप होते हैं। मैंने अमीनो एसिड वाली डेफिनेशन, अमीनो एसिड वाली मैंने वीडियो में बताया भी है, तो उतने ही टाइप के लगभग ये होते हैं। देयर फंक्शन इज टू कलेक्ट अमीनो एसिड फॉर्म अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन है कलेक्ट करना अमीनो एसिड्स को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म हो पाए। सो दिस इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर आरएनए के नाम से लिख सकते हो, या कॉमन आप बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वन, इसमें एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है आर आरएनए में है और टी आरएनए में है, तो ये भी आप लिख सकते हो, मैंने दोबारा नहीं लिखी है ये, और इसको मैंने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को शॉर्ट में लिखा है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। दे कैरी जेनेटिक ब्लू प्रिंट्स टू सेल एंड कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। दे कैरी जेनेटिक ब्लू प्रिंट्स फॉर ऑफ द सेल और कैरी करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द फंक्शन ऑफ द सेल। डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इधर ही जिक्र किया हुआ है जेनेटिक ब्लू प्रिंट्स, और इधर भी मैंने लिखा है कि डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और आरएनए के बारे में आप एमआरएनए का ये पॉइंट लिख सकते हो, आरआरएनए का पॉइंट ये लिख सकते हो, टीआरएनए का आप ये पॉइंट लिख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मकेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you.